बेरसराय दिल्ली की एक लोकेलिटी है। देश के दो प्रमुख शिक्षा संस्थान IIT और JNU के बीच बसा हुआ बेरसराय। बेरसराय जाटों का गांव हुआ करता था। अर्बनाइजेशन और प्रोग्रेस से बेरसराय स्टूडेंट और बेरोजगारों के हब के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके आसपास बहुत सी जगहें हैं जिनमें सराय शब्द आता है। कटवर सराय, जिया सराय, कालू सराय, लाडू सराय और थोड़ा आगे जाएं तो यूसुफ सराय। सराय का अर्थ है राहगीरों के रुकने की जगह। मुगलों के समय में सराय वो जगह हुआ करती थी जहां पे यात्री कुछ समय के लिए रुकते थे। हालांकि आज के समय में भी स्टूडेंट्स को यात्री कहा जा सकता है, जो देश के हर कोने से यहां आते हैं अपने ऊपर से बेरोजगार का टैग हटाने के लिए। बेरसराय कोचिंग संस्थानों का हब है। यहाँ लोग हर किस्म का एग्जाम क्रैक करने आते हैं, जिसमें से प्रमुख है NET, GATE, बैंकिंग, SSC, SI, कांस्टेबल इत्यादि इत्यादि। बेरसराय का एकमात्र ATM जहाँ हर समय लंबी कतार रहती है। बेरसराय का सबसे बहुचर्चित रेस्टोरेंट केरला कैफे, जो कि अपने बेहुदा डोसे और पानी की नदी वाले सांबर के लिए कुख्यात है। एक कम्युनिस्ट स्टेट का नाम डुबाता हुआ रेस्टोरेंट, सुट्टा और चाय के बेजोड़ कॉम्बिनेशन का आनंद लेता हुआ खालीपन में बैठा हुआ एक नौजवान। गरम कढ़ाई से निकलता दिल्ली का राष्ट्रीय पकवान ब्रेड पकौड़ा। किराने की दुकान जहां झाड़ू, मोर्टिन, कंगा, शीशा, मोनेको, पार्लेजी, कुरकुरे जैसी चीजें मिल जाती हैं। बोर्डम और अकेलापन भी बेरसराय एक्सपीरियंस का प्रमुख हिस्सा है। कुतुब मीनार और PVR सेलेक्ट सिटी साकेत मॉल पास में ही हैं। दोनों ही देश की बहुचर्चित इमारत हैं। जितना आनंद पुराने जमाने में राजाओं को शाम को कुतुब मीनार में टहलने में आता होगा, शायद उतना ही मजा बेरसराय की युवा स्ट्रगलिंग बेरोजगारों को साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में घूमते हुए आता होगा। बेरसराय से मेरा संबंध 2011 में हुआ। मैं उस वक्त एक कॉल सेंटर में टेक्निकल कॉल एग्जीक्यूटिव की नौकरी करता था। बेरसराय में रहने का मुख्य कारण था कि यहाँ पे कमरे का किराया केवल 3,000 रुपए था। दिल्ली शहर में इतना सस्ता कमरा मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कमरा अपने आप में एक मॉडर्न आर्ट था, जिसमें आड़ी तिरछी दीवारें बनी हुई थी। 2011 में समय काटने का दूसरा तरीका इंटरनेट कैफे था। इंटरनेट कैफे की बेरसराय में भरमार थी। ऑरकुट के साइबर गलियारों में प्यार ढूंढते देश के नौजवान, गर्लफ्रेंड और नौकरी की तलाश में भटकते हुए देश के युवा नौजवान। ये है बेरसराय के एक आम स्टूडेंट का रूम, किसी एक्स गर्लफ्रेंड के दिल से भी ज्यादा छोटा। समस्त दुनिया के नक्शे को तकिया बना के सोता हुआ एक बेरोजगार युवक। शाम के वक्त क्लस्ट्रोफोबिक रूम से निकल के बगीचे में टहलता हुआ एक युवक। यह है इसका मेल फ्रेंड, सर पे टपली मार के हंसता हुआ। गर्लफ्रेंड के भयंकर अभाव में मेल फ्रेंडशिप की एक जबरदस्त इमेज। सुबह 4 बजे के बेरसराय का आसमान। बहुत जल्दी ही बजने वाले तकलीफ दे अलार्म की एंजाइटी में सोता हुआ बेरसराय का युवा नौजवान।